कैसे सभी? नए साल के स्वागत है आप सभी। आप सभी बहुत बहुत क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ लेते हैं शायद उत्तराखंड का परिवहन ना, और उत्तराखंड का परिवहन अभी तक हमने जो पढ़ा है सड़क परिवहन और इसके अलावा रेल परिवहन। ठीक है, सड़क परिवहन और रेल परिवहन हमने लगभग लगभग क्या कर लिया है, पूरा पढ़ लिया है। और आज इसी के अंतर्गत हमने क्या पढ़ना है, वायु परिवहन। ठीक है, परिवहन के अंतर्गत बात करें तो अभी तक हमने जो पढ़ा है सड़क परिवहन और रेल परिवहन। उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे कि सड़क परिवहन की व्यवस्था क्या क्या है सब मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा कुमाऊं मोटर वाराणसी यूनियन, इसके अलावा गढ़वाल मोटर वाराणसी यूनियन, इसके अलावा रेलवे के बारे में पूरी हम बात कर चुके हैं। सबसे ज्यादा रेलवे ट्रैक वाला जनपद कौन सा था? सबसे कम रेलवे ट्रैक वाला पौड़ी। ये बताइए कि कुमाऊं मंडल रेलवे के किस मंडल के अंतर्गत आता है? किस जोन के अंतर्गत आता है? ठीक है, गोरखपुर। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत है? पूरा पूर्वोत्तर रेलवे। ठीक है, ये वाला जो है ये है पूर्वोत्तर रेलवे। जितना पढ़ा हुआ एक बार देखते हैं सब सब। पूर्वोत्तर रेलवे कुमाऊं मंडल आता है पूर्वोत्तर रेलवे, जबकि जो हमारा गढ़वाल मंडल है ये सब आता है उत्तर रेलवे। अगर आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड में सर्वाधिक उत्तर में अवस्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो सबसे उत्तर में कौन सा है? देहरादून। ये देखिए, उत्तराखंड में सबसे उत्तर में अवस्थित रेलवे स्टेशन और इसके अलावा उत्तर रेलवे का सबसे उत्तर में अवस्थित क्या है, रेलवे स्टेशन है उत्तराखंड के अंतर्गत। और यहाँ हमने क्या देखा था, टनकपुर। ठीक है, टनकपुर ये रेलवे का अंतिम स्थल है। इसके अलावा इधर क्या, काठगोदाम रेलवे का अंतिम स्थल है। इसके अलावा इधर क्या था, रामनगर भी अंतिम स्थल। और इसके अलावा कोटद्वार भी रेलवे का अंतिम स्थल था। और इसके अलावा इधर ऋषिकेश और नीरा, कि आने वाले समय में ऋषिकेश से कहां चली जाएगी ट्रेन, कर्णप्रयाग तक। ठीक है, ऋषिकेश से देवप्रयाग से श्रीनगर और श्रीनगर से रुद्रप्रयाग से गोचर होते हुए कहां, कर्णप्रयाग। तो आने वाले समय में उत्तराखंड के तीन और जो जनपद है हमारे वो रेलवे से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। आप सवाल पूछेगा कि कौन रेलवे का अंतिम बिंदु नहीं है, आपको लाल कुआ और हल्द्वानी ऑप्शन में देगा। हल्द्वानी रेलवे का अंतिम बिंदु नहीं है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा लाल कुआ भी, रुद्रपुर भी रेलवे का अंतिम स्थल नहीं है। इसके अलावा लक्सर, ठीक है, पूरा रेलवे ट्रैक मैंने आपको बना के दिखाया था कि कहां से रेल जाती है और रेल परिपथ पूरा हमने क्या किया था देखा। और इस उत्तराखंड के अंतर्गत कुल रेल परिपथों में सबसे ज्यादा अगर बात करूं रेलवे ट्रैक हरिद्वार में, सबसे कम कहां, पौड़ी में। और कुल स्टेशन कितने थे छोटे बड़े मिलाकर, 41। ठीक है, कुल रेलवे स्टेशन की संख्या थी 41। और इसके अलावा चार धाम के अंतर्गत परिवहन के अंतर्गत हमने जो देखे थे कि जैसे नया इधर हमारा बद्रीनाथ है, इधर केदारनाथ है, इधर हमारा गंगोत्री और ये यमुनोत्री। ये चारों धाम देखेंगे तो उच्च हिमालय क्षेत्र में क्या है अवस्थित है। और ये तीन जनपद उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली। सबसे पूर्व में बद्रीनाथ जो NH07 वर्तमान में, जो पहले क्या था NH58, और ये हमारा जो है NH107 वर्तमान में, लेकिन पहले ये NH109 के अंतर्गत था। वर्तमान में NH109 जो है हमारा, ये जो पहले NH87 हुआ करता था, जो रुद्रपुर से होते हुए रामपुर आते हुए रुद्रपुर होते हुए हमारे कहां तक जाता है, गैरसैंण। ठीक है, गैरसैंण वर्तमान में NH109 के अंतर्गत है, पहले ये किसमें हुआ करता है, NH87 पे हुआ करता था। इसके अलावा ये जो है वर्तमान में NH34 पे हुआ है, और वर्तमान पहले ये NH108 के अंतर्गत आता था। और इसके अलावा ये NH134 में वर्तमान में, पहले जो किसके अंतर्गत था, NH94। ठीक है, ये आपसे पूछेगा, और मैंने आपको बताया था कि एक नंबर आपको याद करना है 94, 108, 109 और 58 BSNL का नंबर था। और वर्तमान में आपको 100-100 घटाते रहना है, इधर अगर पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे 107 से 107, 34 से 134, या 100-100 बढ़ते रहना है। और अगर पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो 100-100 क्या करते रहना है, घटाते रहना है, आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आज हम वायु परिवहन। देखिए, उत्तराखंड में वायु परिवहन की बात करें तो कोई बड़ा इतना एयरपोर्ट तो है नहीं। हाल ही में आपने अखबार पढ़ा होगा तो उत्तराखंड में एक नया बजट दिया गया था 200 करोड़ रुपए का, और उत्तराखंड में हेलीपैड के तर्ज पर ही क्या बनाएंगे, हेलीपोर्ट। ठीक है, हेलीपोर्ट क्या है पढ़ा किसी ने, हेलीपोर्ट विकसित किए जाएंगे उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में, हेलीपोर्ट विकसित किए जाएंगे। हेलीपोर्ट है क्या,
हेलीपैड तो हमने सुना, हेलीपैड देखा भी होगा, और हेलीपोर्ट क्या है? 200 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दे रखी है उत्तराखंड में हेलीपोर्ट स्थापित करने के लिए, और इसके अलावा नई नई विमानन सेवाएं स्थापित की है, उन्हीं में सहस्त्र धारा को क्या किया है, बहुत ज्यादा डेवलप किया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूं, अगर वर्तमान में उत्तराखंड की बात करें तो हवाई अड्डे, वायु परिवहन के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे यहां पर वायु परिवहन हमने पढ़ने हैं क्या, हवाई अड्डे जो है हमारे वहां जो है छोटे हेलीपैड जो है उनको क्या कहा जाता है, हवाई अड्डे। एयरपोर्ट तो है नहीं बड़ा, ठीक है कि बहुत बड़े भैया इतने बड़े स्पाइस जेट जो हमारे हैं वो यहाँ पे क्या किया जाए, उतारे जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो हमने जो देखने हैं वो देखने हैं उत्तराखंड में जो वर्तमान में हेलीपैड है, आप भी अपने उसमें इस तरह से मैप बना लीजिए, और मैप के अंतर्गत देखने हमने सारे आपसे पूछेगा। कई बार सवाल परीक्षा में पूछता है कि नैनी सैनी कहाँ है, अभी पढ़ते पढ़ते आप लोगों तो पढ़ लिया, लेकिन आप ऐसे बहुत सारे लोग क्या हैं मुख्य परीक्षा दे रहे होंगे लोअर में आंसर की के बाद क्या स्थिति है, है क्या है, हाँ 96 हो जाएगा तो इतने में तो हो जाएगा फिल्म्स, ठीक है 100 प्लस में तो हो जाना है, जिसके 90 प्लस है उसको मेरे हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, और हाँ आपके हो जाएगा, ठीक है आपको करनी चाहिए मेन्स की तैयारी। चलिए इसके अंतर्गत देखते हैं, जैसे देखिए जो हेलीपैड है मुख्यतः आपने देखे होंगे क्या क्या है, ठीक है 5 मुख्यतः हेलीपैड आपने सुने होंगे, ठीक है उत्तराखंड में, एक तो क्या नैनी सैनिक, नैनी सैनिक ये हमारे कहाँ है, पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में है नैनी सैनिक, और पिथौरागढ़ का जो नैनी सैनिक हवाई अड्डा है मुख्यतः यहाँ पर भारतीय सेना और नेपाल सेना के बीच एक अभ्यास चलता है जिसे कहते हैं सूर्य किरण, ठीक है, और अभी भी पिथौरागढ़ में ही हो रहा है, इस बार का जो भी सैन्य अभ्यास हुआ वो भी कहां हुआ, पिथौरागढ़ में ही हुआ, यही नैनी सैनी में, तो सैन्य अभ्यास भी यही होता है पिथौरागढ़ में, ध्यान रखिए नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में है, और दूसरा जो पंतनगर अब हवाई अड्डा लिख रहा हूँ, खाली नाम लिख रहा हूँ, पंतनगर कहां है, ठीक है पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप इतना लिख लेना, हवाई अड्डा ये कहा है फूलबाग में, फूलबाग क्वेश्चन का पंतनगर यूएस नगर उधम सिंह नगर के पंतनगर के फूलबाग में, और ये उधम सिंह नगर जनपद के अंतर्गत आता है ध्यान रखिएगा, और कई बार मिलान करने के लिए आता है और पूछता है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपसे पूछता है कि ये सारे जनपद देगा और इनमें जनपद का नाम देगा पंतनगर हवाई अड्डा, फूलबाग हवाई अड्डा देगा नाम, ठीक है इसका नाम फूलबाग हवाई अड्डा भी है क्योंकि फूलबाग में पर्टिकुलर, और इधर नाम क्या दे देगा नैनीताल जनपद दे देगा जिले का नाम, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जिले का नाम क्या कर देगा यहाँ पर नैनीताल, ये उधम सिंह नगर में है। इसके अलावा गोचर हवाई अड्डा ये हमारे कहाँ है चमोली में, अभी एक एक करके मैप में दिखाता हूँ कि पर्टिकुलर है कहाँ, ठीक है, और इसके अलावा चौथा हवाई अड्डा चिन्यालीसैन और ये हमारे कहाँ है उत्तरकाशी। ये जो मैं हवाई अड्डे लिख रहा हूं इन सबका मैंने पूर्व से पश्चिम क्रम दिखा रखा था आपको, ठीक है सबसे पूर्व में कौन सा है नैनीसैनी, फिर उसके पश्चात पंतनगर, तब जाके गोचर, तब जाके चिन्यालीसैन, और तब जाके अंत में सबसे पश्चिम में कौन सा है वो है आपका जौलीग्रांट, दून हवाई अड्डे का आ जाता है जौलीग्रांट हवाई अड्डा, और यह है देहरादून में। देखिए इनका पूर्व से पश्चिम क्रम यही है, सबसे पूर्व में मिलेगा आपको नैनी सैनी और सबसे पश्चिम में आपको मिलेगा जौलीग्रांट, हो सकता है कि ऐसा भी पूछे सवाल, बिल्कुल सवाल अगर आपने लोअर बीसीएस में देखा होगा कि दो सवाल ऐसे आए थे जनसंख्या अनुसार क्या लगाना था क्रम लगाना था, और बहुत सारे दर्रों का पूर्व से पश्चिम क्रम लगाना था, ठीक है मैंने आपको बताया भी था वो दर्रे, तो मैंने भी बताए थे उत्तराखंड में जब यहाँ पढ़ा था, ठीक है जब मैं आपको उत्तराखंड का मैप पढ़ा था, जब हिमालय पढ़ा था उस हिमालय में दर्रे सारे मैंने भी दिखाए थे आपको कि इस तरह से सवाल बनेगा और बनेगा भी सवाल, तो इन पांचों को अगर देखेंगे तो सबसे पूर्व में इधर मिलेगा नैनी सैनी, इधर पिथौरागढ़
नैनी सैनी पिथौरागढ़ में नैनी सैनी। उसके पश्चात आपको मिलेगा इधर उधम सिंह नगर में है, देखिए मैंने उधम सिंह नगर में बिंदु कर रखा है, ये है पंथनगर हवाई अड्डा। उसके पश्चात गोचर जो है वो आपको मिलेगा कहां, इधर चमोली जनपद में मिलेगा गोचर हवाई अड्डा। गोचर में मेला भी लगता है फेमस, ठीक है, औद्योगिक मेला, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1943 में। किसने करी थी, सर बर्नेडी ने इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी 1943 में। कब, 14 नवंबर 1943 को, ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात आपको मिलेगा इधर चिन्याली सैंड जो आपको मिलेगा वो बिल्कुल टिहरी जनपद से लगा हुआ मिलेगा, हवाई पट्टी, ठीक है, बड़कोट के इधर दक्षिण राजगढ़ी है, राजगढ़ी के पास आपको मिलेगा चिन्याली सैंड, बिल्कुल आपका टिहरी जनपद से लगा हुआ हवाई पट्टी। और इसके अलावा जॉली ग्रांट हमारा देहरादून और ऋषिकेश मार्ग के अंतर्गत है, ठीक है, पर्टिकुलर देहरादून से भी ऋषिकेश की तरफ आप जब आएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा क्या, जॉली ग्रांट, जिसे दून हवाई अड्डा कहते हैं, तो इसलिए मैं जॉली ग्रांट लिख रहा हूं क्योंकि जॉली ग्रांट में जॉली ग्रांट। ये पांच हवाई अड्डे किस जनपद में है, क्या है, वो सब आपको दिखा दिए। इसके अलावा उत्तराखंड में क्या बनाए जा रहे हैं, हेलीपोर्ट है क्या, मैं आपको बता देता हूं, हेलीपैड जैसा ही है, लेकिन आपने देखा होगा सामान्य तो हेलीपैड पे क्या होता है, एक ही हेलीकॉप्टर की उतने की क्या होती है, व्यवस्था होती है, ठीक है, एक हेलीकॉप्टर उतरा, ठीक है, और वो जब उड़ा दूसरा हेलीकॉप्टर तभी वहां पर क्या होगा, बैठेगा, उसे कहते हैं हेलीपैड। जहां पर केवल एक ही विमान की रुकने की क्या होती है, व्यवस्था होती है, उसे कहते हैं हेलीपैड। और ये है हमारे क्या, हेलीपोर्ट हेलीपैड का बड़ा रूप है, यानी विस्तृत रूप है, जहां पर एक से अधिक विमानों को रुकने की क्या हो की जा सकती है, व्यवस्था की जा सकती है, उसे कहते हैं हेलीपोर्ट। तो उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में क्या किया जा रहा है, हेलीपोर्ट बनाने की, उसमें धारचूला भी था, ठीक है, धारचूला में बनाया जाएगा, बागेश्वर में बनाया जाएगा, उत्तरकाशी में, चमोली में, ठीक है, इनको क्या किया जाएगा, जो छोटी छोटी भी है उनको भी क्या किया जाएगा, बड़ा बनाया जाएगा। और इसके अलावा हाल ही में जो हमारी डेक्कन एविएशन है, ठीक है, ये अब न्यूज परीक्षा में भी आए थे ना, ठीक है, आया था ग्रुप सी में, ठीक है, किसी में आया था, 854 वाले में आया था, 746 किसी में से आया था, कि किसने क्या किया है, सेवा शुरू कर रखी है देहरादून से लेकर पंतनगर के बीच, ठीक है। असल में हुआ क्या था, मामला मैं बताता हूं, कि केंद्र सरकार द्वारा एक योजना संचालित है जिसका नाम है उड़ान, आपने सुना होगा उड़ान, UDAN, ठीक है, इसका मतलब है उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, देखिए इसका मतलब यह है कि उड़े देश का आम नागरिक। ये इस उड़ान योजना के तहत उत्तराखंड के बहुत सारे हेलीपैड को क्या किया गया था, चुना गया, और उसके अंतर्गत डेक्कन ने क्या की थी, डेक्कन एविएशन, इसने अपनी सुविधाएं दी थी। और देखिए मामला जो हाईलाइट रहेगा ना वो परीक्षा में आएगा, आज के अखबार में भी मैं देख रहा था कुछ चीजें जो है वो उत्तराखंड से संबंधित है और परीक्षा में पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा जैसे ज्योग्राफी में एक सवाल बन सकता है, लगातार 3-4 दिन से अखबार में आ रहा है, हरियाणा का एक जो खनन क्षेत्र है वो पहाड़ टूट के गिर गया, उसमें कई लोग क्या हो गए, दबके मर गए हैं, जांच भी बिठाई गई है, जबकि आदेश जो था कि केवल 60 डिग्री के एंगल में काटना है, लेकिन उसने अपने लाभ कमाने के लिए 90 डिग्री में काट दिया एंगल, पूरे पहाड़ को 90 डिग्री एंगल में क्या कर दिया, काट दिया, उससे क्या हुआ पूरी पहाड़ी गिर गई और जो वहां पर मजदूर इत्यादि थे वो सब क्या हो गए, मर गए, बहुत सारे 12 से ज्यादा लोगों की हो गई मृत्यु उसकी। तो आपसे डायरेक्टली क्या पूछ सकता है कि डाडम लौह अयस्क केंद्र कहाँ बसते हैं, तो ये भिवानी कहाँ है, हरियाणा में, तो लगातार सुखियों में बना है, तो क्या होता है ये ऐसे तो आते, जैसे बादाम पहाड़, लौह अयस्क केंद्र कहाँ है, डल्ली राजहरा कहाँ है, ठीक है, बैला डेला कहाँ है, ठीक है, कुंद्रे मुख कहाँ है, बाबा बदून की पहाड़ियां कहाँ है, तो इस तरह की ये क्या होते हैं जो लगातार सुर्खियों में रहते हैं उन्हीं की संभावना रहती है कि वो सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाए, ठीक है। तो उत्तराखंड से भी एक आध चीजें थे, हेलीपोर्ट था, ठीक है, और
असल में हुआ क्या था कि इस योजना जो चलाई थी केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी उड़ान इसका नाम ये हिमाचल प्रदेश से की गई शुरू की गई इसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उस समय आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि मैं ये चाहता हूं कि जो देश का आम नागरिक है जो हवाई चप्पल में चलता है वो हवाई की यात्रा करे। ठीक है बताओ, हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई में हवाई सेवा यात्रा करे। ठीक है, क्या संभव है हवाई सेवा करना। ठीक है, सरकार ऐसी ऐसी योजनाएं लेके आ जाती है। और अभी उत्तराखंड में एक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो चला रही है उसमें कितना ऋण दिया जा रहा है 10,000 रुपए। प्रवासी जो वापस आए हैं कोरोना के कारण प्रभावित हुए हैं उन लोगों को 10,000 रुपया क्या दिया जाएगा, कर्ज दिया जाएगा। हुआ क्या था, मामला इधर आते हैं। ठीक है, इस योजना के तहत डेक्कन एविएशन को क्या दिया गया था, इसका संचालन के लिए कार्य दिया गया था। असल में इसने करा क्या, डेक्कन ने पंतनगर से हवाई बना, अगर पंतनगर से किसी को कहां जाना है, जॉलीग्रांट जाना है, विवाद हुआ था ये मैं बताता हूँ। ठीक है, तभी इसलिए परीक्षा में पूछा इसने। ठीक है, पूछना स्वाभाविक था, अखबार में इतना बड़ा हाईलाइट हुआ था क्योंकि हाईकोर्ट में ही क्या गया था, मामला गया था, हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये सब हुआ था। ठीक है, पंतनगर से कहां जाना है, अगर जॉलीग्रांट जाना है, ठीक है, किसी को देहरादून जाना है, तो डेक्कन एविएशन ने क्या कहा कि पहले वो कहां जाएगा, दिल्ली जाएगा। ठीक है, ये पहले दिल्ली जाएगा क्योंकि हम यहां से सीधे डायरेक्ट यहां उड़ान नहीं भर सकते हैं क्योंकि ये उड़ान योजना के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, पंतनगर हवाई अड्डा जो है वो उड़ान योजना के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, जो उड़े देश का आम नागरिक जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई उसके अंतर्गत नहीं है। यदि आपको जॉलीग्रांट जाना है तो पंतनगर से हम कहां जाएंगे, पहले आपको दिल्ली ले जाएंगे, फिर दिल्ली से आप कहां आएंगे, देहरादून आएंगे। आदमी उल्टा क्यों जाएगा, ठीक है, उसके यहाँ से यहाँ जाना है और यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से जॉलीग्रांट, और इसका विरोध हुआ और कोर्ट में ये क्या किया, मामला गया। बाद में डेक्कन एविएशन को कहा कि भैया आप ऐसा मत करो और ये संचालित करो, पंतनगर से जॉलीग्रांट तक योजनाएं चलाओ, आप यहाँ तक हवाई हेलीकॉप्टर उड़ाओ। ठीक है, अगर आप नहीं उड़ाओगे तो आपको क्या लगा दिया जाएगा, जुर्माना इत्यादि ठोक दिया जाएगा। कोर्ट तो सीधे लगा देगी जुर्माना। ठीक है, बाद में मामला हाईलाइट हुआ और उसके पश्चात डेक्कन एविएशन ने क्या किया, पंतनगर से जॉलीग्रांट तक अपनी सुविधाएं दी। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हुआ था, सुर्खियों में आया था। तो आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि आपको कोई भी एग्जाम निकालना है तो सबसे पहले आप न्यूज पेपर पढ़िए। ठीक है, अलग सा कोई भी पुस्तक मत खरीदिए अगर करंट के लिए, अगर उस आप न्यूज पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं दो तीन न्यूज पेपर, उसके पास आप अलग सा अगर घंटा चक्र इत्यादि ले लें तो उससे भी क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। लेकिन घंटा चक्र बहुत बड़ा है, उसमें आप पढ़ोगे कैसे, लेकिन लोअर पीसीएस में जितना भी करंट अफेयर्स बना था सब न्यूज पेपर से बना, जितना भी आया था सब। जैसे पहले एक सेट में था पहला सवाल कि सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या बनाएगा, हमारा फिल्म थिएटर बनाएगा, वो बनाएगा लद्दाख, वो न्यूज पेपर में आया था दो तीन दिन लगातार आया। और अभी कुछ समय बाद भी और आया था, जब 83 मूवी वहां पर लगाई गई थी ना, तो तब भी फिर से अखबार में आया था कि लद्दाख में इतने लोग आए। ठीक है, मूवी देखने के लिए चलिए फिर कुछ लिखते हैं और समझते हैं। ये तो नोट आउट कर दिया होगा हवाई अड्डे वाले और देख भी लिए होंगे कौन सा हवाई अड्डा कहाँ है। इसके अलावा जो आने वाले समय में जो विकसित किया जा रहा है, एक तो शास्त्रधारा हमारे देहरादून में ही है, आपको मिलेगा इधर मंसूरी से पहले ही। ठीक है, शास्त्रधारा के लिए अलग रोड जाती है, देहरादून में यहाँ शास्त्रधारा होगा। और इसके अलावा यहाँ आप धारचुला में धारचुला इधर लिपुलेख तक क्या की जाएगी, हवाई सेवा व्यवस्थित की जाएगी। इसके अलावा हमारे इधर तो है ही, और इधर चौखुटिया हमारे अल्मोड़ा में रानी किस आगे मिलेगा आपको चौखुटिया, तो इस चौखुटिया में भी क्या की जाएगी, ये सेवा शुरू की जाएगी। इसके अलावा पंतनगर में तो है। चले फिर लिखते हैं और समझते रहते हैं। लिखे 1 मार्च 2015 को जॉलीग्रांट हवाई अड्डे का नाम बदलकर दून हवाई अड्डा किया गया
दून हवाई अड्डा किया गया, जो जो देहरादून ऋषिकेश, ये भी पूछा गया है परीक्षा में, जो देहरादून ऋषिकेश, जो देहरादून ऋषिकेश मार्ग पर, जो देहरादून ऋषिकेश मार्ग पर अवस्थित है या स्थित है, मार्ग पर अवस्थित है या स्थित है। अलग पढ़ लिखिए, 21 अक्टूबर 2016 को, यानी 21 अक्टूबर 2016 को, 21 अक्टूबर 2016 को केंद्र सरकार द्वारा धर्मशाला क्वेश्चन लिखना कहां? हिमाचल प्रदेश। धर्मशाला क्वेश्चन लिखना हिमाचल प्रदेश से उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान योजना प्रारंभ की। तो इसलिए 21 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? उड़ान दिवस। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि 21 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो इस दिन मनाया जाता है उड़ान दिवस, क्योंकि इसी दिन ही देश के आम नागरिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक महत्वपूर्ण उपहार दिया गया, और वो उपहार दिया कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में क्या करेगा? यात्रा करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछेगा कि उड़ान योजना कब शुरू हुई? 21 अक्टूबर 2016 को कहां से हुई? धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। किस राज्य से हुई पूछ सकता है, और इस दिन क्या मनाया जा रहा है? 21 अक्टूबर को उड़ान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। चले देखकर एविएशन, देहरादून से पंतनगर तक हवाई सेवाएं संचालित करता है अगला पॉइंट लिखिए, केदारनाथ के लिए 16 मई 2003 को, ये याद रखना कई बार पूछा गया है, 16 मई 2003 को परीक्षा में 16 मई 2003 को पवन हंस कंपनी द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई। ठीक है, तो ये जो पवन हंस द्वारा कंपनी द्वारा केदारनाथ के लिए विमानन सेवा शुरू की गई, हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई, ये जो है फाटा व अगस्त मुनि तक जाते हैं। ठीक है, वहां से आपको क्या करेंगे, फाटा अगस्त मुनि से आपको लेकर जाएंगे सीधे कहां? केदारनाथ के हेलीपैड में उतारेंगे। ठीक है, आप दर्शन करेंगे फिर वापस, और आपको कहां छोड़ देंगे? अगस्त मुनि और फाटा। तो ये दोनों जगह जो है, फाटा इधर मिलेगा आपको, अगस्त मुनि भी इधर मिलेगा। ठीक है, मैं इधर ही लिख देता हूं, एक लिख देता हूं फाटा और एक लिख देता हूं अगस्त्य मुनि। तो आपसे पूछता है अगस्त मुनि कहाँ है? मैंने नदी रिवर सिस्टम में यहाँ पर रिवर भी बताई थी। ठीक है, कि यहाँ पे एक नदी का क्या होता है, धूलगाड़। ठीक है, धूलगाड़ नदी जो है वो किससे मिलती है? मंदाकिनी नदी से मिलती है, अगस्त मुनि के पास। और फाटा से यहां से यहां तक क्या होते हैं? केदारनाथ तक संचालित होते हैं। पवन हंस कंपनी 16 मई 2003, ये डेट नहीं बोलना है, बार बार पूछा जाता है। चलिए अलग पढ़ लिखे, ये कब से मैं सुनने में ही हूं कि शुरू किया जा रहा, लेकिन इसका कोई पता नहीं कब ये निर्माण पूरा होगा। ठीक है, और वो कंपनी है कहाँ की? स्विट्जरलैंड की। ठीक है, और वो क्या है? स्विस कनेक्ट। लेकिन हाँ, स्विट्जरलैंड की
स्विट्जरलैंड की, पर्यटन सस्ता स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड पता है ना स्विट्जरलैंड कहाँ है? पड़ोसी देश बताओ इसके, है कौन सा? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इसके दक्षिण में कौन सा देश है? फ्रांस। इसके दक्षिण में आपको मैंने, मुझे लगता है मैंने आपको बताया था कि स्विट्जरलैंड जो है किस पहाड़ी के पास फैला हुआ है और इसके अलावा वहां से कौन कौन सीमा बनाते हैं, ठीक है। अगर स्विट्जरलैंड देखेंगे तो ये स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड है, इस स्विट्जरलैंड के दक्षिण में ये इटली लगा है, ठीक है, इटली। इधर तो लगा हुआ है फ्रांस, ये फ्रांस, और इधर उत्तर में लगा हुआ है जर्मनी, जर्मनी। और स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो कहाँ है? बर्न है, ठीक है, जहां पर विश्व डाक संघ का क्या है मुख्यालय। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को, ठीक है, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस, और विश्व डाक संघ का मुख्यालय बर्न में ही है। स्विट्जरलैंड के अगर मैं आपसे 5 शहरों का नाम पूछूंगा तो आप 5 शहरों का नाम मुझे बता सकते हैं क्या? लॉजेन, लॉरेन, ठीक है, जहां पर किसका मुख्यालय है बताओ? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय वही तो है, ठीक है, लॉरेन में, ठीक है, जिनेवा, ठीक है, जो कई संगठनों का क्या है मुख्यालय है, और ज्यूरिख, ज्यूरिख जो सबसे बड़ा शहरों में से एक है, ज्यूरिख, बर्न, 4 हो गए। और आप किसी को मत कह देना कि मैं तुझे स्विट्जरलैंड लेके जाऊंगा, ठीक है, पता ही नहीं है स्विट्जरलैंड के 5 शहरों के नाम और आप कह रहे हो कि हम तुम्हें स्विट्जरलैंड घुमाएंगे। तो स्विट्जरलैंड लिखे, स्विट्जरलैंड की पर्यटन सस्ता, स्विस कनेक्ट, स्विस कनेक्ट, स्विस कनेक्ट, पांचवे शहर का नाम है, ठीक है, अरे पांचवे शहर का नाम क्या है, ठीक है, देखना ना आप, ठीक है, जैसे बहुत सारे शहर हैं जहां पर आर्थिक संबंधित बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहता है देवास, ठीक है, आपने मध्य प्रदेश में भी है देवास, ठीक है, देवास वहां भी है, जिनेवा में, ठीक है, हमारे स्विट्जरलैंड, ठीक है, जहां पर क्या होता है बहुत ज्यादा क्या कहते हैं आर्थिक मंच से संबंधित बैठकें इत्यादि जो होती है वो सब कहां होती है? वहीं, ठीक है, चले लिखे, स्विस कनेक्ट द्वारा, स्विस कनेक्ट द्वारा यूएस नगर के, यूएस नगर के बाजपुर में, ये तो मैं कई सालों से सुन रहा हूं, 10 साल से पहले, बाजपुर में एक हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, यही देख रहा हूं तब से, बाजपुर में एक हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, क्या पता अभी अगले जन्म में मिले मुझे ना, ठीक है, पता चल रहा मैं वहीं से उड़ान भर रहा हूँ, ठीक है, हाँ जो भी बनू, ठीक है, तो ये तब से सुनने में कि बाजपुर में स्विस कनेक्ट बना रही है लेकिन अभी तक इसने ना काम किया ना कुछ करा ना कुछ, ठीक है, बाजपुर बेचारा जैसा का था वैसा का वैसा ही, ठीक है, कुछ नहीं हुआ बस, ठीक है, तो ये अखबार में परीक्षा में पूछा गया इसलिए लिखा रहा हूँ, नहीं तो कोई लेना देना नहीं है मेरे से, ठीक है, कि ये पूछा गया कि बाजपुर में निम्न में से किस कंपनी के द्वारा क्या किया जा रहा है, हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है, तो बाजपुर आपको मिलेगा कहाँ, ठीक है, अगर ये आप देखिए इधर काठगोदाम हल्द्वानी, ठीक है, और हल्द्वानी से काराडूंगी होते हुए, काराडूंगी कहाँ पड़ता है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है या उधम सिंह नगर में पड़ता है? नैनीताल में पड़ता है काराडूंगी, ठीक है, काराडूंगी से आगे आप जाएंगे एक यहाँ से रामनगर की तरफ बढ़ जाता है, सीधे इधर रामनगर की तरफ, तो ये तो नैनीताल जनपद में, उससे थोड़ा सा आप आगे जाएंगे फिर आ जाएगा उधम सिंह नगर, ठीक है, और उधम सिंह नगर का ही पहला आएगा इधर क्या, बाजपुर, आपको मिलेगा बाजपुर, तो बाजपुर जो है वो है उधम सिंह नगर जनपद में, आपसे पूछेगा कहाँ है, जहाँ के विधायक हमारे कौन है? यशपाल आर्य जी, ठीक है, उत्तराखंड में पुलिस की भर्ती आई, लोग क्या क्या बनाने लगे, जैसे एक तो बनाया था कि क्या दाजू बनेंगे पटवारी, अंजलि भाजी बनेंगे फायरमैन, ठीक है, एक ने तो लिखा और दूसरा एक और क्या लिखा था कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि आग लगाने वालों को आग बुझाने का काम दिया जाएगा, समझ रहे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ अपने मन से, वहां ठीक है कि
आग लगाने वालों को आग बुझाने का काम दिया जा रहा है, समझ रहे हो? क्योंकि पहली बार उत्तराखंड में फायर मैन में महिलाओं की भर्ती आई ना, कि पहली बार उत्तराखंड में महिलाओं की भर्ती आई है फायर मैन में। तो उस फायर मैन में इस तरह से बनाए जा रहे हैं कि आग लगाने का काम दिया जा रहा है। बताओ सोचते क्या आदमियों की ना, कितने जल्दी सोचते हैं, बेहतरीन तरीके से, गजब तरीके से, यहाँ तक सोच पहुंच जाती है। पहले भर्ती आई नहीं, ठीक है, जैसे ही विज्ञापन निकला ऐसे चीजें आने लगी, ठीक है। सोचो हमारे, ये नहीं कि अखबार पढ़े, परीक्षाएं के लिए तैयारी करें, किताब पढ़े, उनसे संबंधित ये प्रश्न आने की संभावना है, ये चीजें डालें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इस तरह का माहौल बनाते हैं, लेकिन कई लोगों की भावनाओं को भी क्यों पहुंचा होगा, ठेस पहुंचा होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप भी कभी ऐसा करते हैं तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, ठीक है। तो किसी को इस तरह से ठेस मत पहुंचाइएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा कुछ और हवाई पट्टियों से संबंधित, ठीक है। हाल ही में हेलीपोर्ट इत्यादि विकसित किए जा रहे हैं, ये केंद्र सरकार ने बजट इत्यादि दिया है, अखबार में इत्यादि में था, ठीक है। हेलीपोर्ट मैंने आपको बता दिया, और इसके अलावा सहस्त्र धारा से गोचर और सहस्त्र धारा से चिन्याली सैन, ठीक है, चिन्याली स्वर्ण भी है, ठीक है, कहीं पर आपको चिन्याली स्वर्ण मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्या की जाएगी, सेवाएं विकसित की जाएगी, ये सहस्त्र धारा से। इसे नया डेवलप किया गया अभी हाल ही में उड़ान योजना के तहत, ठीक है, उड़ान योजना के तहत सहस्त्र धारा से गोचर, गोचर से इसके अलावा सहस्त्र धारा से चिन्याली सैन, और इसके अलावा यहाँ नैनी सैनी तक। और बाकी सवाल क्या बनाएगा बताओ, कौन सी कंपनी दे रही पवन हंस, और इसके अलावा ये उड़ान योजना के तहत यहाँ ये हेली सेवाएं किसे दी गई है, डेक्कन एविएशन, ठीक है, जो अभी हाल ही में एग्जाम पूछा गया था। इसके अलावा ये पूछेगा किस जनपद में, तो ये इस जनपद में क्या है अवस्थित है। तो यहाँ पर ही जो हमारा कृषि उद्योग परिवहन का जो टॉपिक था इतना बड़ा पिछले कई दिनों से चल रहा है, वो आज क्या होता है समाप्त, ठीक है। तो उत्तराखंड के लगभग बहुत सारे जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो हमने क्या कर लिए हैं, खत्म कर लिए। अब अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो बच जाता है वो बच जाता है इतिहास का, ठीक है। और इतिहास के साथ साथ कुछ इत्यादि और क्या मैं सोच रहा हूँ कि उनको एक अलग सा मैं समेटूंगा, टैक्स, ठीक है, उत्तराखंड में टैक्स सिस्टम, ठीक है, कि उत्तराखंड में जो टैक्स सिस्टम है वो कैसी है और वो क्या क्या है, ठीक है। जैसे आपसे पूछता है कि अधेय क्या है, अधेय क्या है, तिहाड क्या है, किसे दिया जाता है, मिश्री टैक्स क्या है, मिजरी टैक्स क्या है, ठीक है, इसके अलावा बंचर क्या है, ठीक है, ये सब क्या है टैक्स के प्रकार, ठीक है, वो सब यदि मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा तो हो सकता है कि अगली क्लास में आपको उत्तराखंड का इतिहास मिले, ठीक है। यह टैक्स पढ़ा हम पहले, टैक्स सिस्टम देखिए बहुत सारे हैं ना, इनसे संबंधित टैक्स पर कम करने का या खत्म करने का महत्वपूर्ण योगदान जो दे रखा है वो दे रखा है विलियम ट्रेन ने, ठीक है, उन टैक्सों को खत्म करने के लिए। और इसके अलावा उत्तराखंड में टैक्स से संबंधित एक प्रथा प्रचलित थी जिसे किसने खत्म किया, गोरखाओं ने, ठीक है, और वो क्या थी, 36 रकम 32 कलम, ठीक है, जैसे देखिए 36 रकम 32 कलम ये प्रथा थी टैक्स वसूलने की, और इसे खत्म करने का श्रेय जो जाता है गोरखाओं को जाता है। और 36 रकम 32 कलम है क्या, ठीक है, इसको समझेंगे अगर आप, 36 रकम 32 कलम असल में जो चंद काल थे यहाँ पर उत्तराखंड में, उन जो यहाँ पर क्या है राजस्व अधिकारी है, जैसे कानूनगो है, ठीक है, पटवारी इत्यादि जो भी है, उन लोगों का क्या दिया जाता था, वेतन नहीं दिया जाता था। जब उनको वेतन इत्यादि नहीं दिया जाता था, जो भी क्या करता था सरकार के लिए टैक्स इत्यादि वसूलते थे, अमीन इत्यादि और के लोग, जो चंद सरकार के लिए क्या कर रहे हैं, राजा के लिए क्या कर रहे हैं, टैक्स वसूले, 36 सरकार का उन्होंने टैक्स वसूले, उसमें से 32 अपने कलम चलाने के लिए लिए, ठीक है भैया अपने, ठीक है, अपने अभी तो खड़े चलाना है, कैसे चलेगा उसका खाली वसूलने में। तो ये प्रथा थी 36 रकम 32 कलम। गोरखा जब आए, गोरखाओं ने क्या कर दिया, इस व्यवस्था को खत्म कर दिया और नए प्रकार के टैक्स लगाए। उनमें बहुत सारे टैक्स ऐसे थे जैसे कुकरियालो, घोड़ियालो, ठीक है, कुकरों पर लगा दिया टैक्स, समझ रहे हो, यानी जो यहाँ पर जर्मन शेफर्ड के डॉग इत्यादि मंगा दिए, ठीक है, हमने राज जो गोरखा सेनापति इत्यादि होता है। इसके अलावा अरब कंट्री से क्या मंगा दिए, घोड़े इत्यादि मंगा दिए। अब देखिए उस समय लोगों को पता नहीं था, समझ में नहीं था, चीजें आप समझिए, अरबी घोड़े मंगा दिए, अरब का जो पर्यावरणीय क्षेत्र है उसका जो अनुकूल है वो
क्या हिमालय क्षेत्र में यहाँ पर रह पाएंगे घोड़े, ठीक है, मर जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, और ये हुआ, ठीक है। और मना ये जर्मन शेपर्ड के कुत्ते, और वो इतने ठंडे इलाकों में रहते हैं, उत्तराखंड के क्षेत्र में ले आए, और उत्तराखंड का मैदानी क्षेत्र तो गर्मी वाला ही है, ठीक है। सामान्य तौर जो गोरखाओं की सेना इत्यादि थी वो इस क्षेत्र में नैनीताल इस क्षेत्र में थी, ठीक है। अब जर्मन शेपर्ड को यहाँ पर लेके आना तुरंत वहां से यहाँ, अगर उसकी ब्रीड लेके आए हैं यहाँ पर एक विकसित किया गया नया, तो तब तो ठीक है, वो पहले से जन्म से यहाँ पर है, तो वो इसके अनुकूल क्या हो जाएगा, रह लेगा, और वो रह नहीं पाए। तो जब उनके खाने पीने की समस्या होने लग गई, तो ब्रिटिश यहाँ पर गोरखा सरकार ने क्या कर दिया, कुकरियालो घुड़ियालो, ठीक है, ये सारे टैक्स लगाए, मांग टैक्स, मांग भरने पर महिला अगर मांग भरेगी उसके भी टैक्स दिया जाएगा, सूप टैक्स, ठीक है, अगर सूपों में अनाज छटकोगे तो उसमें भी क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा छत पर जाने पर टैक्स, अगर छत पर जाएंगी महिलाएं तो छत पर जाने का भी टैक्स, और गांव के सारे काम छत पे होते हैं, सुखाना है छत में कपड़े इत्यादि अनाज जो भी सुखाना है सब क्या है, छत में सुखाना है, देख लिया और गोरखा लोग आ गए और दिया नहीं तो क्या होगा, टैक्स देना पड़ेगा, नौजवानों को टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, हाँ बहुत सारे, ठीक है, अगर शहद पालन करे तो मौ का टैक्स हुआ करता था, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐसे टैक्स वसूल किए। तो इसलिए गोरखाओं को जो उत्तराखंड में यहाँ पर जो भी उनका राज इत्यादि रहा वो अत्याचार पूर्ण रहा, बहुत ज्यादा अत्याचार किया उन्होंने। तो इसलिए आपने सुना होगा कि उत्तराखंड के स्थानीय लोगों में एक कहावत है, ठीक है, तर्ज चल लो गोरखा राज, ठीक है, जब कोई पंगा इत्यादि लड़ाई इत्यादि होती ना, ठीक है, यहाँ से जरा तर्ज चल लो गोरखा राज, ठीक है, यानी गोरखा राज जो था वो बहुत अत्याचार पूर्ण था, और बाद में जो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार आए तभी तो इन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिशों को उठा दिया, क्योंकि ब्रिटिश गोरखाओं की अपेक्षाकृत क्या थे, शांत भेदी, ठीक है, वो लोग इतना परेशान नहीं कर देते लोगों को। तो इसलिए 1857 की क्रांति का उत्तराखंड क्षेत्र में असफल होने का कारण भी एक कारण ये भी, क्योंकि गोरखा जो थे वो खुखार थे, ठीक है, वो सीधे गुरी से बात करते थे, उससे नीचे बात नहीं करते थे, जहां पर कुछ करा, ठीक है, ऐसे ऐसे न्याय के ऐसे ऐसे बना दिया, कड़ाई दीप बना दिया, तुला दीप बना दिया, लोगों को कड़ाई के तेल में हाथ डालना पड़ेगा, जल गया तो क्या होगा, दोषी है, अगर नहीं जला तो दोषी नहीं, समझ रहे हो, ठीक है, तुला दान इत्यादि कराया जाएगा, ठीक है, उससे अगर भारी पड़ा तो क्या हो जाएगा, फिर से इत्यादि ऐसा ऐसे, तो बहुत सारे इत्यादि टैक्स इत्यादि है, फूड टैक्स के बारे में भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसके अलावा जैसे हमारे टिहरी रियासत में विधवा इत्यादि जो है तलाकशुदा महिला को दोबारा अपने पास लाने के लिए मिझारी टैक्स लिया जाता था, ठीक है, तो मिझारी टैक्स इत्यादि है, तो बहुत सारे टैक्स इत्यादि है, वो हम बात करेंगे अगली क्लास में, समय इनका हो गया है, समाप्त हो गया।